बढ़ते आगे, अगली खबर है उद्घाटन पर रहा। जी हां, संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी से कराए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे गलत बताया। राहुल गांधी ने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी के हाथों होना चाहिए, प्रधानमंत्री के नहीं। उन्होंने कहा कि 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री के हाथों होना है, लेकिन संसद भवन का चूंकि काम कानून बनाना होता है, ऐसे में राष्ट्रपति से करवाना उद्घाटन बेहतर होगा। ये उनकी प्रतिक्रिया रही है। संसद भवन का निर्माण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे उद्घाटन के लिए आग्रह किया था, और इसके पहले कांग्रेस ने संसद भवन के उद्घाटन की तारीख सामने आने पर सवाल भी उठाए थे। दरअसल 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है, ऐसे में सवाल अब ये उठ रहे हैं कि इस दिन को चुनना महज एक संयोग है या फिर रणनीति के तहत ये किया जा रहा है। कांग्रेस ने नए संसद भवन को पीएम मोदी के व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाली परियोजना बताते हुए इसकी जरूरत पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने कहा था कि ऐसी इमारत की क्या जरूरत है जब विपक्ष की आवाज बंद कर दी गई। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला दरअसल कांग्रेस दे रही है, और विपक्ष होने के नाते वो ये कह रही है कि जब लोकतंत्र मजबूत नहीं है, विपक्ष मजबूत नहीं है, बोलने नहीं दिया जा रहा, तो फिर इस भवन की क्या जरूरत है। इसके पहले जयराम रमेश ने भी, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उन्होंने भी एक तस्वीर शेयर करते हुए महत्वाकांक्षा का प्रोजेक्ट इसे बताया था, और इसको लेकर पीएम पर एक तरीके से तंज कसा था।